नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सत्यजीत राय द्वारा लिखित शब्दचित्र अप्पू के साथ 2.5 साल, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि लेखक सत्यजीत राय की फिल्म पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उन्हें किस प्रकार आर्थिक अभावों के चलते अन्य कई परेशानियों को झेलना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा, पैसों के अभाव के चलते और कुछ जानकारी के अभाव के चलते उन्हें काफ़ी कुछ संकट झेलने पड़े, जैसे कि हमने देखा था, यानी कि उन्हें शूटिंग को स्थगित करना पड़ा बार बार, और जब तक पैसे जमा हुए तब तक हालात भी बदल चुके थे। कई बार ऐसा हुआ है उनके साथ, हमने पढ़ा इसके पहले की वीडियोज़ में। तो जैसे पहला ही दृश्य कांच फूलों के मैदान वाला, जहां आधा दृश्य शूट होने के बाद जब वापस आए 6-7 दिन बाद तो कांच फूल जानवर खा चुके थे, और भूलो कुत्ते की भूमिका वाला जो दृश्य है वो भी आधा दृश्य शूट हुआ तब तक सूर्यास्त हो गया, और सूर्यास्त के साथ ही लेखक के पास जो शूटिंग के नाम पर पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए, और फिर उन्हें फिर से शूटिंग स्थगित करनी पड़ी। और जब पैसे जमा हुए तब तक क्या हुआ, भूलो कुत्ता मर गया था, और उसकी जगह पे किसी भी प्रकार से प्रयास करके उसकी जगह पे दूसरा कुत्ता लाया गया और भात खाने के दृश्य को पूरा किया गया। फिर थोड़े समय बाद फिर से उनके पास पैसों की कमी जैसे ही हुई, उन्हें शूटिंग उन्हें रोकनी पड़ी, तो मिठाई वाले श्रीनिवास की भूमिका करने वाला व्यक्ति इस दौरान चल बसता है, तो उसी की कदकाठी वाला दूसरा व्यक्ति ला करके और उस दृश्य को जैसे तैसे करके पूरा किया जाता है। और इसी प्रकार बरसात का दृश्य शूट करने के लिए उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, बरसात ऋतु तब तक चली जाती है, जब तक उनके पास पैसे जमा होते हैं तब तक बरसात ऋतु चली जाती है। किंतु सौभाग्य भी रहा है लेखक का कि शरद ऋतु में भी बादल छा गए और धुआंधार बरसात होने लगी, और अप्पू और दुर्गा का बरसात में भीगते हुए पेड़ का सहारा लेना, पेड़ के नीचे जाकर के आसरा लेना, इस प्रकार का जो दृश्य है बहुत सुंदर दृश्य बन पड़ा है। तो इस तरह से लेखक के द्वारा अपने पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान होने वाले अनुभवों को साझा किया है अपने पाठकों के साथ इन्होंने। तो अब पढ़ते हैं हम आगे। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। देखिए, प्रश्न बन जाता है कि शूटिंग के लिए लेखक को गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव अधिक उपयुक्त क्यों लगा? क्योंकि देखो, अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर यानी नाला, पुकुर यानी तालाब, पुकुर यानी पोखर, तो गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर है, पक्के रास्ते बने हैं, उस ज़माने में वे नहीं थे। यानी कि समय के साथ कितना परिवर्तन हो गया है उस गांव में, कि उस समय जब पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के लिए लेखक वहां बोडाल गांव गए थे तब वहां बिजली पानी की इतनी व्यवस्था नहीं थी, बिजली नहीं थी, घर भी कच्चे बने थे, रास्ते भी कच्चे थे। किंतु समय के साथ ये परिवर्तन हुआ है कि वहां बिजली आ गई है, पक्के घर है और पक्के रास्ते बने हुए हैं। उस गाँव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसीलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, बहुत अद्भुत यानी बहुत अनोखे व्यक्तित्व के, विलक्षण व्यक्तित्व के धनी एक पुरुष थे उस गांव में। क्योंकि लेखक को उस गांव में बहुत बार जाना आना पड़ता था फिल्म की शूटिंग के लिए, तो वहाँ पर जाना और रहना, इस दौरान वहाँ के लोगों से भी परिचय हो गया इनका। तो वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं लेखक, कि जिनका व्यक्तित्व बड़ा अद्भुत था, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। अब देखिए, सुबोध दा के विषय में क्या कहते हैं लेखक, वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था, यानी सिर पर बाल वाल नहीं थे उनके, वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे, यानी स्वयं से ही बातें करते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं ये जानकर वे गुस्सा हो गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ पर फिल्म की शूटिंग होने वाली है तो उन्हें बहुत बुरा लगा, वे बहुत गुस्सा हुए, और ये फिल्म की शूटिंग टीम को देखने पर
वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। क्या कहते सुबोधदा कि फिल्म वाले आए हैं इनको लाठियों से मारो, यानी कि फिल्म निर्माण यहाँ इस गांव में फिल्म की शूटिंग नहीं होने देना है। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे, यानी कि मन से बीमार, यानी कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, उनका मन संतुलन मानसिक संतुलन उनका नहीं था, ऐसा सुनने को मिला वहाँ पूछताछ करने पर। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ, वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे, बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, यानी बहुत धीमे से कुछ कहते। वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह रूजवेल्ट है। रूजवेल्ट आप जानते हैं, रूजवेल्ट कौन है? जो रूजवेल्ट जो है उसका पूरा नाम जो है फ्रैंकलिन डिलोनो रूजवेल्ट, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। इन्हें FDR भी कहा जाता था। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। तो ये रूजवेल्ट कहकर के व्यंग्य करते हैं उस व्यक्ति पर, पक्का पाजी, उनकी मत से दूसरा पक्का पाजी, यानी कि एकदम पाजी दुष्ट है वो, इसीलिए वो उसको रूजवेल्ट कहते हैं। व्यंग्यात्मक तरीके से उन लोगों को संबोधित करते हैं सुबोधदा, गांव के बहुत से लोगों का उन्होंने अपनी तरफ से नाम दे रखा है, पक्का पाजी है। उनके मत से दूसरा था, दूसरा एक कौन था? चर्चिल। चर्चिल कौन है? चर्चिल जब दूसरा विश्वयुद्ध हुआ था उस दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, ठीक है। तो दूसरे को वो चर्चिल बताते हैं। क्या कहते हैं? एक था चर्चिल और एक कौन? हिटलर। हिटलर के बारे में तो आप जानते हैं, जर्मनी के तानाशाह, चांसलर, नाजी पार्टी के लीडर थे बिल्कुल। तो एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल अब्दुल गफ्फार खान के विषय में तो आप जानते हैं, अफगान के नेता थे और भारत पाकिस्तान विभाजन के भी वे खिलाफ थे, जिसके कारण उन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा था और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये सभी से आप, इन सभी हस्तियों से आप कक्षा 10th के सामाजिक में परिचित हो चुके होंगे। इनके विषय में काफ़ी कुछ आपने पढ़ा होगा, व्यक्तित्व के विषय में, इनके जीवन के विषय में, इनका इतिहास काफ़ी कुछ आप जानते होंगे। तो मैंने संक्षिप्त परिचय आपको दे दिया है बिल्कुल इनका। तो सुबोधदा जो है वो इन सब का नाम लेकर के कुछ विशेष लोगों को बुलाते थे, यानी कि ये उनका व्यंग्य था उन पर। तो सभी उनकी मतानुसार पाजी थे, सभी किसके मतानुसार? सुबोधदा के मतानुसार सभी दुष्ट थे, और किसके दुश्मन थे? सुबोधदा के दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। धोबी के कारण क्यों परेशानी होती थी? क्योंकि वो कपड़े धोता था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें बजती थी, और थोड़ा सा वो पागल भी था, और कभी कभी क्या करता था देखें, हाँ, उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था, और कभी भी क्या करता था, उसकी पागलपन की हरकत क्या हुआ करती थी? भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। क्या करता था? किसी भी राजकीय मुद्दे पर, सरकारी मुद्दे पर भाषण शुरू कर देता था भाइयों और बहनों कह करके। फुर्सत के समय में, यानी कि जब खाली समय हो, तो उसके भाषण पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था, यानी कि बिल्कुल साइड में आवाज़ें आनी शुरू हो जाती थी। जैसे आप वीडियो सुनते हो तो आपके भी आसपास में कबूतर, चिड़िया, जो हमारे वश की बात नहीं है, जिन्हें नियंत्रित करना, बिल्कुल उनकी आवाज़ें आपको सुनने को मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही तो साउंड प्रभावित होता है इस प्रकार आसपास की आवाज़ों से। तो उसी प्रकार शूटिंग के दौरान जब उसका भाषण शुरू हो जाता था तो इनकी शूटिंग का साउंड जो था वो प्रभावित हो सकता था।
उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद ना की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। सिरदर्द बोले तो बहुत बड़ी परेशानी बन जाता, बहुत बड़ी समस्या बन जाता इनके लिए। तो उसके रिश्तेदारों ने मदद की उसे कंट्रोल करने में, उसे नियंत्रित करने में। जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम क्या लगता था, वह घर हमें एकदम ध्वस्त का मतलब एकदम जर्जर अवस्था में, टूटी फूटी जर्जर अवस्था में मिला था, टूटी फूटी अवस्था में मिला था, बिल्कुल खंडहर के रूप में। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उसके मालिक, उस घर के मालिक जो थे वो कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था, किराए पर। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग एक महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए, यानी कि एक के बाद एक आसपास बहुत सारे कमरे थे जो फिल्म की शूटिंग में नहीं दिखाए गए हैं। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ को सुन सकते थे, यानी कि इतने पास में वो कमरे थे उस घर में। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना, भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। क्यों जवाब नहीं आया, देखें क्या हुआ था। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, इस पर भी जवाब ना आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा है। और वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। खाली पड़ा था खंडहर जहाँ पर सांप आदि वन्य प्राणी घूम फिरते थे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वहाँ पर सांप आ गया, किंतु भूपेन बाबू ने सांप को देखा तो वे अत्यधिक घबरा गए और उनकी बोलती बंद हो गई, यानी कि कोई जवाब देते नहीं बना। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों की मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। और वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। वास्तु सर्प बोले तो घरों में रहने वाले सांप जो होते हैं, जो अक्सर घरों में आते जाते रहते हैं। तो वहाँ के लोगों ने बिल्कुल ये बताते हुए कि इससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई किसी को ये काटेगा करेगा नहीं, क्योंकि ऐसे सर्प जो है वो अक्सर घरों में दिखाई देते हैं। और ऐसी मान्यता है लोगों की कि कुल देवता, जो कुल देवता होते हैं उसे बांग्ला भाषा में उसको वास्तु सर्प कहते हैं, यानी कि वो कुल देवता के रूप में है, और कुल देवता है और सांप के रूप में वो अक्सर घर में दिखाई दे जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसके लिए फिल्म शूटिंग टीम वाले उसे मारना चाहते थे, किंतु गांव के स्थानीय लोगों के द्वारा मना करने पर वे उसे मारते नहीं, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये था सत्यजीत राय का शब्दचित्र अप्पू के साथ 2.5 साल। बड़ा आनंद आया इसको पढ़ने में, और जो इस प्रकार की समस्याएं उनके समक्ष उत्पन्न हुई बड़े रोचक तरीके से लेखक ने उन्हें साझा किया है। और हमारी भी जिज्ञासा आगे से आगे बढ़ती जा रही थी जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ रहा था कि अब और क्या समस्या उत्पन्न होती है, अब उस समस्या का निदान ये कैसे करते हैं, क्या हुआ, भूपेन बाबू क्यों चुप हो गए, सांप को देखा फिर क्या हुआ। इस प्रकार सारी घटनाएँ जो है वो एक एक करके पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है। और बहुत सुंदर तरीके से लेखक ने जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास भी किया है। तो बहुत सुंदर शब्दचित्र था। अब देखिए, आपको प्रश्न करने हैं बिल्कुल पाठ के साथ। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, ये कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। ये कौन से सीन की बात कर रहे हैं, इस कथन के पीछे क्या भाव है, मतलब
कौन से दृश्य की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा। अब अगर हम उस जगह किस जगह की बात हो रही है, काश फूल के मैदान की बात हो रही है, बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो क्या होता, उसमें से कंटिन्यूटी निर्धारित हो जाती है, इनकी निरंतरता खत्म हो जाती, तालमेल नहीं बैठ पाता, क्योंकि आधे दृश्य में तो काश फूलों से भरा हुआ मैदान है और दूसरे दृश्य में क्या होता, उस बाकी की आधे दृश्य में क्या होता, बिल्कुल उजड़ा हुआ मैदान है, काश फूल बिल्कुल भी नहीं है। यदि कंटिन्यूटी निर्धारित हो जाती, तारतम्य खत्म हो जाता, तालमेल खत्म हो जाता, तो पाठकों और दर्शकों को उस चीज़ का पता चल जाता और फिर हो सकता है कि फिल्म जो है प्रभावशाली ना बनती। किन दो दृश्यों में दर्शक ये पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है, बिल्कुल आपको पता है कौन से दो दृश्य ऐसे थे जिसमें ये बिल्कुल फिल्म देख करके ये पता नहीं चलता कि वहाँ पर कोई तरकीब अपनाई गई है। तो देखें, ऐसे एक तो भूलो कुत्ता तो चलो ठीक है, उसको छोड़े आप, जो दुर्गा भागती है पीछे, भूलो कुत्ता भागता नहीं है, और जब तक भागेगा नहीं तब तक वो क्या पालतू कुत्ता नहीं लगेगा। तो दुर्गा के हाथ में थोड़ी सी मिठाई पकड़ाई जाती है और मिठाई पकड़ के वह भागती है, तो भूलो कुत्ता भी उसके पीछे भागता है। और दूसरा जो दृश्य है वो श्रीनिवास की भूमिका वाला जो पहला व्यक्ति है वो मर जाता है जब शूटिंग स्थगित होती है पैसों के अभाव के कारण, तो उस दौरान वो मर जाता है और उसकी जगह पे उसी की कद काठी का दूसरा व्यक्ति लिया जाता है जिसका चेहरा बिल्कुल उससे अलग है। तो एक श्रीनिवास को तो सामने से दिखा जाता है, उसका चेहरा दिखाया जाता है, और दूसरे श्रीनिवास को बिल्कुल उसकी पीठ दिखाई जाती है। तो ये तरकीब अपनाई जाती है और बिल्कुल भी दर्शकों को पता इस चीज़ का नहीं चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। फूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो आपको पता है, बिल्कुल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हर प्रश्न का उत्तर पता है। भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, क्योंकि वो कुत्ता मर गया था। भूलो लेखक के पास पैसे खत्म हो गए थे, भूलो कुत्ते के भात खाने का दृश्य आधा ही फिल्माया गया था, इतने में सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त के साथ ही लेखक के पास पैसे भी खत्म हो गए थे। तो जब तक पैसे जुटाए गए तब तक भूलो कुत्ते की भूमिका निभाने वाला कुत्ता भी मर गया था, इसलिए उस दृश्य को पूरा करने के लिए दूसरा कुत्ता लाया गया और उसने गमले में डाले हुए भात को खा करके उस दृश्य को पूरा किया। ठीक है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? तो देखें, प्रश्न का दो भाग है, बिल्कुल आप सिर्फ इतना ही लिख करके प्रश्न की तीसरी ना करें उत्तर की। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी, एक भाग तो ये हो गया, मिठाई वाले की भूमिका थी, और दूसरा भाग क्या है, उनसे जुड़े बाकी दृश्य, यानी कि उसको कहाँ जाना था, मुखर्जी के घर जाना था और अप्पू और दुर्गा भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो इस दृश्य को पूरा करने के लिए श्रीनिवास की भूमिका में जिस प्रकार का पहला व्यक्ति था, उस पहले व्यक्ति की ही कद काठी का दूसरा व्यक्ति लाया गया और एक एक श्रीनिवास को आते दिखाया गया और दूसरे को जाते, यानी कि उसकी पीठ की तरफ कैमरा रखा गया, इस तरह से ये दृश्य फिल्माया गया। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? आपको पता है क्या मुश्किल आई थी? जब उन्हें बारिश का दृश्य चित्रित करना था तब उनके पास पैसे खत्म हो गए थे, शूटिंग के लिए पैसे नहीं बचे थे, और जब उनके पास पैसे जमा हुए तब तक अक्टूबर का महीना आ चुका था और बारिश जो थी वो चली गई। और समाधान किस प्रकार हुआ? एक दिन क्या हुआ कि शरद ऋतु में भी काले काले बादल छा गए, धुआंधार बारिश शुरू हो गई, और इस प्रकार अप्पू और दुर्गा के भीगने का और पेड़ के नीचे आसरा लेने का वह दृश्य पूरा किया गया। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। बिल्कुल, ये सारी समस्याएं जो आपने इस पाठ के अंदर देखी है उनके आधार पर आप समस्याओं की सूची बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार ये जो पाठ के साथ जो प्रश्न हैं, बिल्कुल ये सारे प्रश्न, सात प्रश्न आप करेंगे, और जो कठिन शब्द अर्थ है ये भी आप लिखेंगे। और इस प्रकार ये भी हो गया आपके अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ पूरा। कल तक के लिए धन्यवाद।